First of all, start recording. Share the screen. ओके जी, फाइन। जी स्क्रीन नजर आ रही है? कैम एंड माइक ऑफ रखिएगा। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, अपने कैम माइक ऑफ कर लें, अदरवाइज क्लास से आउट हो जाएंगे आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा। जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं, कुछ टॉपिक जो है वो हम आज के दिन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपका सिलेबस जो है किस किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं फाइनल टर्म में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट उसको एक ओवरव्यू लेंगे, और कुछ टॉपिक जो हैं वो जो अभी तक हमने नहीं स्टडी करे उसको हम देख लेंगे, और फिर लास्ट में जो है वंस एक दफा फिर आपको सारा जो सिलेबस है आपका वो बता दूंगा, और जो भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको लिस्ट डाउन करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मुझे बताइएगा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? फाइनेंशियल डे, यस सर। ओके फाइन गुड। ठीक है, सबसे पहले हमने आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन। ये तमाम चीजें हमने डिफाइन की थी बिगनिंग में, ठीक है? फिर हमने हेजर, स्पेकुलेटर, ठीक है, आर्बिट्रेजर, वो तमाम जो है आपको कॉन्सेप्ट हमने बुक से भी रीड आउट कर रहे थे, ये तमाम पता होने चाहिए, ठीक है? ओवर द काउंटर मार्केट क्या है, ठीक है, और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या है, कौन से जो सिक्योरिटीज हैं कौन सी मार्केट में ट्रेड होती हैं, उनका मार्केट साइज क्या है, वो तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? वो ये ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है वो ट्रेड हो रही होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ डेरिवेटिव हैं, ये थोड़ा बहुत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें रिस्क को कम करना हो, लिक्विडिटी को इंक्रीज करना हो, ट्रांजेक्शन में कॉस्ट बच जाती है, पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है, तो इस तरह के भी डिफरेंट हम कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बेनिफिट हो सकते हैं डेरिवेटिव के, ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा चुका है। हम फॉरवर्ड को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड एक्चुअली है क्या, ठीक है, टू पार्टीज के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट है इनफॉर्मल वे में, ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट में नॉर्मली ये ट्रेड हो जाता है, और इसकी फीचर जो है वो काफी हद तक फ्यूचर से मैच होते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल में आ जाता है, वो फॉर्मल में आ जाता है, तो देयर इज सम कुछ डिफरेंसेस भी हमने डिस्कस किए हुए हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर के। फॉरवर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये केस हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, जिसमें आपने खुद से भी प्रैक्टिस की थी, फॉर्मर और बेट मेकर और ये तमाम के क्या किस पार्टी को कितना बेनिफिट होगा, ये हमने आप लोगों ने खुद से ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करा था लास्ट टाइम। रिस्क इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से क्रेडिट रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क हो, के क्रेडिट रिस्क से मुराद क्या है, इससे पहले हमने जस्ट डिफॉल्ट रिस्क को का नाम दिया था। क्रेडिट रिस्क क्या है, द अदर पार्टी हैव द मींस टू पे, ठीक
क्या अदर पार्टी जो है वो पे कर सकेगी वापस, तो फॉरवर्ड में ये बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। ऑपरेशनल रिस्क, अगर आप डिलीवरी पे जाते हैं प्रोडक्ट की, क्या नेक्स्ट पार्टी जो है वो डिलीवर करेगी, ऑपरेशनल रिस्क होगा। लिक्विडिटी रिस्क, इंक्रीज अदर पार्टी वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू फाइंड अनदर काउंटर पार्टी। आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी सर्च आउट करने में आपको जो टाइम लगता है, हो सकता है आपको जो जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते हैं उस तरह की पार्टी आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इस किस्म का रिस्क जो है आप इजीली जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट ना कर सकते हो, तो वो लिक्विडिटी, ये तमाम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिफरेंट रिस्क अटैच होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क था वो हमारा डिफॉल्ट रिस्क का था, कि नेक्स्ट पार्टी जो है वो पे ना कर सके, जिसे हम काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क कहते हैं, कि वो नेक्स्ट पार्टी अगर डिफॉल्ट कर जाती है तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो यही वजह है कि देयर आर सम अदर फॉरवर्ड मार्केट एग्जिस्ट करती हैं, जहां पे जो है फॉरवर्ड का पैरेलल जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या है, डिलीवरी और फॉरवर्ड प्राइस क्या है, ठीक है। इन दो आप स्पॉट प्राइस गिवन होती है, फॉरवर्ड प्राइस गिवन होती है, उसकी बेस पे आपकी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट पे आप बता देते थे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। इसी तरह के कुछ बेसिक से क्वेश्चन फॉरवर्ड से रिलेवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और फॉरवर्ड को, अगर इस फॉरवर्ड में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को फर्दर भी बता दूंगा कि लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है वो लॉन्ग शॉर्ट स्पॉट प्राइस डिलीवरी फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है, ये तमाम कॉन्सेप्ट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि जो इसमें डिफॉल्ट रिस्क आ जाता है, इसके पहले हमारे पास फ्यूचर मार्केट एग्जिस्ट करती थी, फ्यूचर मार्केट स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते थे, इट इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, क्वान्टिटी ऑफ अंडरलाइंग, क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग, डिलीवरी डेट, प्रोसीजर, प्राइस कोड, ठीक है, वो तमाम मार्जिन, वो तमाम चीजें जो है वो इसमें पहले से डिक्लेयर होता था। सिक्योर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, ये तमाम फीचर हमने इसके डिस्कस कर रहे थे। अगर इसकी हम इसमें लॉन्ग और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, तो रेट से कि अगर हम किसी भी एक प्राइस पे जा रहे हैं, लॉन्ग 10 जब प्राइस थी तो हमने पोजिशन ली लॉन्ग, ठीक है, इफ यू ओके जब प्राइस 10 थी तो हमने कहा कि हमने जो है वो लॉन्ग पोजीशन ले ली थी, और लॉन्ग पोजीशन के बाद जब प्राइस 12 गई तो हमने वो शॉर्ट पोजीशन जो है वो ले ली, उसके बाद जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, और इसके एग्जीक्यूशन जो है वो फॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में, तो वहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं था, जो भी आपके इनिशियली अकाउंट मेंटेन किया हुआ उसमें से प्रॉफिट डेली बेसिस पे भी जो है एडजस्ट हो रहे होते हैं। ओके, तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली है 10 पे तो आपको पता है प्राइस इंक्रीज होती है तो आपको बेनिफिट होता है, जब प्राइस 12 पे गई तो आपने पोजीशन चेंज कर दी, शॉर्ट पोजीशन ले ली, जो भी डिफरेंस हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर आप अगेन 12 पे आपने लॉन्ग पोजीशन ली, प्राइस ऊपर गई, लॉन्ग पोजीशन आपको पता है जब कोई चीज बाय करते हो उसकी चीज ऊपर प्राइस ऊपर जाती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले लेते हो, उसको सेल आउट कर देते हो, प्रॉफिट हो जाता है। शॉर्ट पोजीशन जब होती है प्राइस ऊपर जाती है तो उसकी वजह से आपको लॉस होता है। शॉर्ट पोजीशन जब आप लेते हैं तो बेनिफिट तब होगा जब प्राइस नीचे जाएगी। अगर इस केस में आपने 10 पे शॉर्ट पोजीशन ली थी और प्राइस ऊपर चली जाती है, आप समझते हो कि बहुत ज्यादा ऊपर ना चली जाए, मुझे पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए या ट्रांजेक्शन खत्म कर लेनी चाहिए, तो आप उसके अपोजिट पोजीशन पे चले जाते हो, लॉन्ग पोजीशन पे आप चले गए, तो उस केस में क्या है, प्राइसिंग जितने से इंक्रीज होगी वो आपका लॉस हो जाएगा, और डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो एक जो है वो डॉलर के अगेंस्ट इतना लॉस हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज पे डिपेंड करेगा कि कितने डॉलर की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस आप डिटरमिन कर लेते थे। इस तरह के कुछ बेसिक केसेस हमने जो है वो करे भी थे डिफरेंट, जब हम क्लासेस फिजिकल ले रहे थे, हमने अकाउंट मेंटेन, मार्जिन अकाउंट मेंटेन करके देखा था, उसमें अप्स एंड डाउन आता था, हम डेली बेस पर एडजस्ट करते थे मार्जिन का और क्या है, ये तमाम फ्यूचर में डिस्कशन हमने
जो आप उनकी बुक थी उसका चैप्टर 1, 2 और 3 में ये आप मिल जाएगी डिटेल भी। ओके, टाइप्स ऑफ फ्यूचर, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग, और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट अदर टाइप्स हो सकती हैं जिसमें आपके पास जो है वो कोई भी गोल्ड कमोडिटी है। विद इन कमोडिटी देयर कुड बी डिफरेंट टाइप, विद इन स्टॉक देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स, इंडेक्सेस की बेस पे हो सकती हैं, तो अंडरलाइंग एसेट कोई भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगेन क्लोजिंग ए फ्यूचर पोजिशन, आप जब पोजिशन को क्लोज करते हो तो जिस पोजिशन पे हो उससे अपोजिट पोजिशन पे जाके जो है वो क्लोज कर देते हो। बाय क्लोजिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एक्सपायरी द नेट डिफरेंस, अगर फ्यूचर के केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो एक्सपायरी डेट से पहले ही एग्जीक्यूट कर लें, इफ यू डोंट वांट टू वेट फॉर द एक्सपायरी डेट यू कैन एग्जीक्यूट बिफोर एक्सपायरी डेट। तो फ्यूचर के केस में हमें पता कि डेली बेस पे एडजस्टमेंट होती थी, जो नेट डिफरेंस आता था डेली बेस पे आपका प्रॉफिट और लॉस उसमें ऐड हो जाता था आपके अकाउंट में, उसी की बेस पे हमने मार्जिन अकाउंट और तमाम डिस्कशन भी की थी। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, दो चार एग्जांपल हमने खुद से की भी थी, जब हम आपके फोल्डर वगैरह पे नोट डाउन भी होगी, उसी तरह की बेसिक जो एग्जांपल्स हैं वो ही आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट नंबर चेंज होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होंगे, फ्यूचर से रिलेवेंट जो जो क्वेश्चन हमने करे, फॉरवर्ड से रिलेवेंट जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में करे, कुछ डेफिनेशन टाइप अगेन हो सकते हैं जैसे आर्बिट्रेजर, स्पेकुलेटर, ठीक है, टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं वो बता सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, कुछ डेफिनेशन टाइप और कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप जो है वो हो सकते हैं, जिस तरह फ्यूचर से रिलेवेंट थे, डेरिवेटिव से जो आपका फॉरवर्ड से रिलेवेंट, प्रॉफिट का लॉस किस पार्टी का होगा, किस बेस पे होगा, वो जस्ट आपने डिटरमिन करना होगा। उसके लिए हर क्वेश्चन में आपको जैसे फॉरवर्ड है या फ्यूचर है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली प्राइस, फ्यूचर प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस, वो प्राइसेस जो है डिटरमिन करनी है, पोजीशन डिटरमिन करनी है, क्वेश्चन से कॉन्ट्रैक्ट साइज डिटरमिन करना है, उसकी बेस पे फाइनल जो है वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है, यूजुअली लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, मंथली बेसिस पे भी ये ट्रेड हो जाते हैं, अकाउंट इसको कॉन्ट्रैक्ट साइकिल भी कहते हैं कि 1 month, 3 month, 9 month, 12 month जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट साइकिल हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कि कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्वान्टिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जितना भी साइज है उसका, हमारे पास लेट्स से 500 क्वान्टिटी है, 10 rupees 1 quantity के हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके कॉन्टैक्ट का साइज जो है आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर $1 पे आपको 4 rupees लॉस हो रहा है तो टोटल 500 अगर आपका कॉन्टैक्ट साइज है तो आपको 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 2000 का लॉस हो जाता था। तो कॉन्टैक्ट साइज से आप मल्टीप्लाई करते थे जो भी सिंगल डॉलर पे आपको प्रॉफिट का लॉस होगा। तो में आपको स्ट्राइक प्राइस, द एग्रीड प्राइस ऑफ द डील इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, जो जिस प्राइस पे आपने एग्रीमेंट करा हो उसको नॉर्मली इस केस में स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। वो कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक स्ट्राइक प्राइस एंड करंट प्राइस। अब कॉस्ट ऑफ अब करंट प्राइस से नॉर्मली कुछ ज्यादा पे जो है अगर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेट से मार्केट में 50 rupees चल रही है, आप कहते हो 55 में मैं बाय करूंगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा एग्रीमेंट में 50 से 55 पे गए हो तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैरी है जो आप बेयर कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए। ओके, देन मार्जिन को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर द मार्जिन्स, दे आर डिफरेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो मार्जिन को हमने डिटेल से डिस्कस करा था, इसको भी देख लीजिएगा। फिर कितने परसेंट इसकी तमाम वर्किंग हमने, मार्जिन कॉल क्या है, वेरिएशन मार्जिन क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, ये तमाम हम डिटेल से डिस्कस की थी हमने। मार्किंग टू मार्केट ये होता है कि आप डेली बेसिस पे चेक करते हो कि आपकी जो है वो प्राइसेस में या आपके जो मार्जिन अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आए। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ पीरियडिकली एडजस्टिंग द मार्जिन अकाउंट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फंड बेस्ड ऑन चेंज इन द मार्केट वैल्यू। ठीक है,
और फिर आप फॉरवर्ड फ्यूचर को आप इस तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ट्रेड ऑनलाइन एक्सचेंज अब नो फ्यूचर के केस में यस यूज स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ठीक है नो यस ठीक है। तो आप डिफरेंट बेसिस पे इनका कंपैरिजन कर सकते हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम डिटेल्स इसको डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। देन जो ऑप्शन जो है हमने स्टार्ट में थोड़ा सा इसको डिस्कस करा था, आज इसको एक आध इसकी एग्जांपल मैं एक और करवा देता हूँ आपको, डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ऑप्शंस हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर ऑफ द ऑप्शन टू बाय और सेल स्पेसिफाई क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ऑप्शन से मुराद ये है कि ऑप्शन जिस पर्सन ने होल्ड करके रखा होगा अपने पास या बाय किया होगा उसके पास राइट होगा, चाहे तो वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करे चाहे ना करे। उसे लगता है कि अगर मैं इस पहले तो हम फॉरवर्ड या फ्यूचर में जाते थे, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप गए हो आपको एग्जीक्यूट करने ही करने, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना कंपल्सरी होता था फ्यूचर और फॉरवर्ड में। लेकिन ऑप्शन के केस में हम कहते हैं ऑप्शन इज बेसिकली द राइट, ये राइट ही है जो आप परचेज करते हो। कैसे परचेज करते हो, आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करनी होती है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं ठीक है। ऑप्शन पे समहाउ आपको प्रीमियम पे करना है जिसके अगेंस्ट आपको राइट मिल जाता है। आप चाहें तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करें, आप चाहें तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में रहकर मुझे फायदा होता है तो आप एग्जीक्यूट कर लेते थे, अगर आपको लगता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए नुकसान हो रहा है, मार्केट से मैं बाय करूँ तो मुझे सस्ती पड़ रही है वो चीज, तो आप कहते हो कि मैं वो ट्रांजेक्शन उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर देख भी लेते हैं, उससे पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ऑफ टू टाइप्स, कॉल और पुट ऑप्शन ठीक है। अब कॉल में क्या होगा, बाइंग का राइट अगर आपने परचेज करा है, किसी भी चीज को बाय करने का अगर राइट आपने परचेज करा है उसको आप कॉल ऑप्शन कहते हो, और अगर किसी चीज को सेल करने का राइट आपने परचेज करा है तो उसको आप पुट ऑप्शन बोलोगे। कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। कॉल ऑप्शन जो है वो राइट देता है बायर को बट नॉट दी ऑब्लिगेशन टू बाय गिवन क्वांटिटी। आपके पास राइट है, आप पाबंद नहीं हो, लेकिन आप चाहो तो एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉल ऑप्शन में, बायर के तौर पे आपका राइट मिल गया। और पुट ऑप्शन में आपके पास जो है वो राइट मिल गया बट नॉट दी एप्लीकेशन टू सेल गिवन क्वांटिटी। जी माइक ऑफ रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज माइक ऑफ कर लें। ओके फाइन। ठीक है, तो हमारे पास कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग का राइट, एक में आपको सेलिंग का राइट होता है। दोनों केसेस में राइट जो है वो ऑप्शन परचेज करने वाले के पास होगा। अब एक ऑप्शन जो है वो सेल करेगा, मतलब वो राइट आपको सेल कर रहा है कि आपके पास राइट है। अगर आप ऑप्शन का राइट आपके पास आ जाएगा, आपने राइट परचेज करा है, एक राइट को राइटर करने वाला होगा, राइट करने वाला होगा, दूसरा उसको यूज करेगा, एक प्रोवाइड करेगा राइट और दूसरा उसको यूज करेगा। इसको अगर हम इस तरह से लें, ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम द टू टाइप ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन एंड अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन वी ऑलरेडी डिस्कस वन ऑफ द क्लास, हम डिस्कस कर रहा था। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ऑनली मेच्योरिटी डेट ऑफ द ऑप्शन आल्सो नोन एज द एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो सिर्फ एक्सपायरी डेट पे हो सकते थे, उससे पहले जो है ऑप्शन भी जो है एग्जीक्यूट नहीं किया जा, यू हैव टू वेट टिल सर्टेन टाइम पीरियड, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते थे कि आपको ये एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम बिफोर एंड ऑन द एक्सपायरी डेट। तो अमेरिकन स्टाइल जो है आप एक्सपायरी डेट से पहले भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसको कैंसिल आउट करना है या मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है यूरोपियन और उसमें। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कॉल ऑप्शन के हवाले से भी और पुट ऑप्शन के हवाले से भी। इससे क्या होगा, भी आपको जो है वो आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब कॉल ऑप्शन क्या है, राइट टू बाय 100 रिलायंस शेयर एट द प्राइस ऑफ 300 पर शेयर आफ्टर 3 मंथ। अब उस केस में क्या हुआ, राइट टू बाय 100 शेयर, आपने 100 शेयर बाय करने का राइट ले लिया। ठीक है, राइट आपको मिल गया कि आप डिसाइड करोगे 3 महीने के बाद कि आप ये जो है वो 300 की प्राइस पे परचेज करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आज के दिन अगर प्राइस 300 है फ्यूचर में हो सकता है वो
300 से नीचे आ जाए, 300 से ऊपर चली जाए, तो तब आपके पास साइड होगा कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही परचेज करने हैं या मार्केट से परचेज करने हैं। तो आप देख लोगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में सस्ते पड़ रहे हैं या आपको जो है वो मार्केट से आप लेते थे तब आपको वो जो है वो चीपर रेट में पड़ रहे हैं। तो आपने राइट परचेज कर लिया टू बाय 100 रिलायंस शेयर एट ए प्राइस ऑफ 300 पर शेयर, एक शेयर की प्राइस 300, 100 शेयर आपने करने हैं परचेज, और 3 मंथ जो है वो टाइम पीरियड। अब 300 मल्टीप्लाई बाय 100 का एक शेयर हो गया 300 का, 100 शेयर कितने के हो जाएंगे जी मुझे बताइएगा, 100 शेयर कितने के हो जाएंगे जी? स्टूडेंट आर यू देयर जी, आवाज आ रही है आप लोगों जी? सर आ रही है आवाज जी, बताइएगा मुझे अगर एक शेयर जो है वो 300 का है तो 100 शेयर कितने के हो गए? सर ये हो जाएंगे अल्लाह को बुला के 3 लाख। कितने के? सर 30,000। 30,000 के, ठीक है, तो 30,000 के जो है ये शेयर हो जाएंगे। अब कॉल ऑप्शन आपने कर लिया परचेज के, राइट आपने परचेज कर लिया कि आप चाहें तो बाय करें 3 महीने के बाद, चाहें तो इस ट्रांजेक्शन को कर दें कैंसिल। अब वो कहते हैं कि भाई आप अगर ये 100 शेयर को बाय करने का राइट ले रहे हो ना, तो एक शेयर के अगेंस्ट 2,500 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। कितना? एक शेयर के अगेंस्ट 25, ठीक है। अब 100, अब वो कहते हैं कि आपको सिक्योर करना है अपने आप को, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करें, ठीक है, तो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो पर शेयर के अगेंस्ट 25, तो टोटल कितने शेयर है? 100 है सर, ठीक है, तो टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2,500। जी टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2,500। 2,500 हो जाएगा, गुड, ठीक है। अब लेट से के अब यहाँ पे क्या है, करंट प्राइस जो है वो मार्केट की 250 थी, लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में गए हो आपने वो 300 पे आपका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब चूंकि लेट से जो जिस प्राइस पे आप करोगे उस प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, और ये हमारे पास जो है एक्सपायरी डेट है, 3 मंथ बाद एक्सपायरी डेट आ गई। स्ट्राइक प्राइस आपने क्वेश्चन में से सर्च आउट कर लेनी होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी वो आपके पास स्ट्राइक प्राइस होगी, ठीक है। अब वो कहता है कि सपोज आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस जो है वो 400 हो जाती है, ठीक है। अब आप किसी भी टाइम पे जो है वो अगर इसको डिसाइड कर सकते हो, तो आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस इज 400। अब मार्केट की प्राइस अगर 400 हो जाए, ठीक है, देन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज द शेयर आर बॉन्ड। अब होगा क्या, जब शेयर की प्राइस कितनी होगी 400, ठीक है, 400 का मतलब है 400 को 100 से मल्टीप्लाई करें कितना है 40,000 जी बताइएगा। जी बताइएगा। यस सर, 40,000। 40,000, गुड, 40,000 हो जाएगा सर, गुड। अच्छा फिर उसके बाद अगर आप एक मिनट दीजिएगा मुझे, 40,000। अब अगर आप मार्केट से वही शेयर बाय करें तो आपको कितने का मिलेंगे? 40,000। माइक ऑफ अच्छा प्लीज। अगर आप मार्केट से शेयर परचेज करते हैं तो कितने के मिलेंगे आपको? 40,000 के। 40,000 के, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप परचेज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो कितने के मिलेंगे? 30,000 के। 30,000 के, तो डिफरेंस कितना हुआ? 10,000। 10,000, 10,000 में से आपको प्रीमियम भी पे करना, प्रीमियम कितना पे करना है? 2,500। 2,500, 10,000 में से 2,500 चला जाएगा तो आपके पास 7,500 रह जाएगा जी सर। 7,500 का अभी भी प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये ऑप्शन एग्जीक्यूट कर लोगे। क्या करोगे आप? ऑप्शन एग्जीक्यूट करोगे, ये आपका आंसर होगा, सही है। इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपने बताना होगा कि आप ऑप्शन एग्जीक्यूट करोगे या नहीं करोगे, ठीक हो गया जी।
ये हो गया तब जब प्राइस इंक्रीज हुई थी, कॉल ऑप्शन में थे, प्राइस हुई थी इंक्रीज। अब अगर आप माइक ऑफ कर रहे हैं अपने, जब मैं आपसे पूछूं तो तब ऑन कर लीजिएगा। ओके, लेट्स से कि अब प्राइस जो है वो 200 हो गई है। अब मुझे इंपैक्ट बताइएगा, अगर प्राइस 200 हो जाती है तो तब क्या होगा? तो सर नुकसान होगा। ठीक है, अगर प्राइस 200 हो जाती है तो उससे क्या होगा कि मार्केट से अगर बाय करते हो तो आपको मिलेंगे 20,000 में। जी सर। ठीक है, अब 20,000 में आपको मार्केट से मिल सकते हैं। आप कहते हो कि मैं 30,000 के क्यों परचेज करूं इस कॉन्ट्रैक्ट से? आप कहते हो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रीमियम की अमाउंट तो पे करना पड़ेगी, तो प्रीमियम की जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। इस केस में जब आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो लॉस कितना होगा? जितनी प्रीमियम की अमाउंट होगी। सही है जी, समझ आया? जी सर। ठीक है, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते तो उस केस में प्रीमियम की जितनी अमाउंट होगी वो आपका लॉस कंसीडर होगा। ठीक हो गया जी। अब इस तरह का आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन में आपने बताना होगा कि आप एग्जीक्यूट करोगे या नहीं करोगे। करोगे तो कितना बेनिफिट या ऑब्वियसली करोगे तो बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा। अगर नहीं करोगे तो लॉस कितना होगा, नहीं करते तो लॉस उतना ही होगा जितना आपका प्रीमियम की टोटल अमाउंट होगी। ठीक है जी, ये कॉल ऑप्शन समझ आ गया? इससे समझ में आ गया। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, इसी तरह का सेम अमाउंट जस्ट चेंज है, पेपर में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अमाउंट चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सेम बिल्कुल इसी तरह होगा, आपने जस्ट बताना है कि भाई एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, दैट वुड बी योर आंसर। अच्छा, अब अगर इसको हम फर्दर पुट ऑप्शन का देख रहे हैं, सही है? पुट ऑप्शन में क्या होगा, हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हमेशा। ठीक है, पुट ऑप्शन में राइट टू सेल आपके पास आ जाता है 100। आपको पता है जब आपने राइट परचेज करा है सेल करने का, तो सेल की पोजीशन जब आप लेते हो चीजों की प्राइस नीचे जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब प्राइस नीचे जाएगी तो आपको बेनिफिट होगा। तो इस केस में क्या है, सेम सिचुएशन वही है, 2500 प्रीमियम, 100, 300 स्ट्राइक प्राइस, ऑल सेम। बट चेंज जो हमारे पास आता है वो है, सपोज आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस इज 200, अगर मार्केट की प्राइस 200 हो जाती है। अब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए सेल आउट करते हो तो कितने का सेल आउट होगा, 30,000 का। अगर मार्केट में सेल आउट करते हो तो 20,000 का, इसका मतलब 10,000 का फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने का। ठीक है, 10,000 का फायदा, 2500 आपको पे करना है प्रीमियम, 7500 जो है बेनिफिट हो जाएगा, आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, पुट ऑप्शन में जब भी प्राइस नीचे जाएगी, वो एक सर्ट किस हद तक नीचे जाएगी, अब लाजमी नहीं है कि मतलब प्राइस थोड़ा सा भी नीचे गई, अगर प्राइस नीचे गई लेकिन वो आपके प्रीमियम की अमाउंट को कवर नहीं कर रहे तो आप तब भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते। सही है, अगर प्राइस का जो डिफरेंस है वो 2500 से कम होता, बेनिफिट का डिफरेंस 2500 से कम होता तो आप तब भी एग्जीक्यूट ना करते। ठीक हो गया जी। ओके फाइन, ठीक है जी। इसी तरह अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर प्राइस 300 हो जाए तो तब क्या होगा, अब देखिएगा। अब अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको जो है वो 30,000 जो है वो, सपोज आफ्टर ए मंथ मार्केट प्राइस 300, देन द ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, नेट लॉस। अब यहाँ पे भी 30,000 है, कॉन्ट्रैक्ट में करते हो वहां पे भी 30,000 मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो आप इन डिफरेंट पोजिशन पे चले गए। आप कहते हो मैं एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं मार्केट से बाय कर लूंगा, 2500 आपका लॉस हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा अब उस केस में के आपको नेट गेन हुआ या लॉस हुआ, वो प्राइस के ऊपर या नीचे जाने में नेट जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे उसकी बेस पे बताओगे कि आपको नेट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप ये एग्जीक्यूट करोगे या नहीं करोगे ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन के रेलेवेंट भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे, तो पुट ऑप्शन के रेलेवेंट भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों इजी क्वेश्चन है, आप इजीली जो है इसे कर सकोगे। ठीक है, अब अगर हम इसी के फर्दर कुछ पॉइंट,
जी अभी आफ्टर 3 मिनट जो है ये क्लास जो है वो लिंक एंड होगा, मैं दोबारा आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले जो है हम एक शॉर्ट फीचर ऑफ ऑप्शन देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सपायरी डेट आपके पास मेंशन होगी, प्राइस एट विच ऑप्शन, एक्सरसाइज कार्ड, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। द पर्सन हु राइट द ऑप्शन एंड इज द सेलर इज रेफर्ड एज द ऑप्शन राइटर, जो ऑप्शन का राइट सेल करता है उसको कहते हैं ऑप्शन राइटर, ठीक है। एंड हु होल्ड द ऑप्शन, जो ऑप्शन अपने पास रखेगा उसे कहते हैं ऑप्शन होल्डर, ठीक है। ऑप्शन का राइट देने वाला जो पर्सन है, जो सेल आउट कर रहा है राइट, वो होगा ऑप्शन राइटर, और जो अपने पास रखेगा वो होगा ऑप्शन होल्डर, ठीक है। द प्रीमियम इज द प्राइस पेड फॉर द ऑप्शन, जो कि ऑप्शन परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होगी वो अमाउंट कहलाएगी प्रीमियम, ठीक है। अ क्लियरिंग हाउस इज इंटरपोज बिटवीन द राइटर एंड द बायर व्हिच गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑर्गेनाइज मार्केट में ट्रेड होता है, तो आपके पास क्लियरिंग हाउस जो है अश्योरेंस देता है कि बायर और सेलर जो है इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी जो है गारंटी जो है वो दी जाएगी क्लियरिंग हाउस की तरफ से। तो ऑप्शन से रिलेवेंट इसी तरह का क्वेश्चन सेम आपसे पेपर में पूछा जाएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इजीली बता सकते हो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। लास्ट एक कॉन्सेप्ट ऑप्शन से रिलेवेंट में आपको बता दूं, अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम, जो भी प्राइस आप पे करोगे ऑप्शन के लिए। स्ट्राइक प्राइस, जो पहले से डिसाइड हुई है प्राइस। एक्सपायरेशन डेट, date on which option expired, 3 month, 2 month, 1 month, exercise date, option पहले भी exercise हो सकता है, American type option है, open interest, total number of option contract that have not yet been expired, जैसे आपने अभी 100 share buy करने हैं अभी, तो आपके 100 जो share अभी execute होनी है transaction, वो open interest में आ जाएगा, option holder और option writer हम discuss कर चुके हैं। अब ऑप्शन क्लास, ऑल लिस्टेड ऑप्शन ऑफ अ टाइप ऑन ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एक ही तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो भी लिस्ट मार्केट में अवेलेबल है कि कमोडिटी में, विद इन कमोडिटी इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन सीरीज जिनकी एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर हो, उस तरह की एक सीरीज आपको मिल जाएगी कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इस एक्सपायरी डेट के ऑप्शन या इस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन उसकी रेंज इतने तक है वो उस प्राइस में या इस डेट तक जो है वो यूज करना चाहता है, तो ऑप्शन सीरीज को देखता है। पुट कॉल ऑप्शन, रेशियो ऑफ द पुट टू द कॉल ऑप्शन ट्रेड इन द मार्केट, ओवरऑल अगर मार्केट में देखें पुट की साइड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या कॉल की साइड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों की रेशियो को हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो। ये बेसिकली हमें बताती है कि ज्यादा सेलिंग का रुझान है या बाइंग का रुझान है मार्केट में। Okay, then we have